इंडिया। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इसे देख रहे हैं आईवीटीवी। सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ को लेकर के आज भी पूरे बिहार में प्रदर्शन जारी है। आज भी स्टूडेंट्स ने कई जगह पर रेलवे ट्रैक्स को जाम करके प्रदर्शन किया है। ऐसे में आपको बता दें कि हाजीपुर, नालंदा, समस्तीपुर, आरा और पटना की ये तस्वीरें सामने आई है, जहाँ पर छात्रों ने रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया है। कई ट्रेनों में आग भी लगाई गई। आपको बता दें कि गुवाहाटी एक्सप्रेस में छात्रों ने आग लगा दी, जिसकी वजह से कई बोगियां जो हैं धू-धू करके जल गई। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। शहरों में इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रेलवे ट्रैक को जाम करके छात्र जो हैं केंद्र सरकार की नई योजना अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। दरअसल अग्निपथ के जरिए केंद्र सरकार जो है वो 4 सालों के लिए सेना भर्ती की प्रक्रिया को लागू करने वाली है, और इसी को लेकर के छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन है। उनका कहना है कि सिर्फ 4 साल में उनका क्या होगा, 4 साल बाद उन्हें पेंशन की सुविधा भी नहीं मिलेगी और ऐसे में वो सड़क पर आ जाएंगे, और इसी वजह से वो केंद्र सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कई नेताओं का भी समर्थन मिला है इन छात्रों को। आपको बता दें कि एनडीए के कई नेता भी केंद्र सरकार की इस योजना पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो विपक्षी दल है, जाहिर सी बात है वो भी सरकार की इस योजना का विरोध कर रही है। और जो छात्र हैं उनमें आक्रोश साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि कितने आक्रोशित हैं ये छात्र, रेलवे ट्रैक को किस तरीके से जाम करके आगजनी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल IVTV को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।